मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में बाढ़ का पानी कम होने के बाद अब महामारी का डर सताने लगा है। कई गांवों से पानी निकालने के बाद उल्टी दस्त जैसी समस्याओं वाले मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने लगी है। कई इलाकों में ग्रामीणों ने डेंगू, मलेरिया, डायरिया, उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ने का दावा किया है। 3-4 दिन से बुखार भी आती रात को, ठंड लाग के, और कोई मेरा इलाज नहीं है। मैं अभी हॉस्पिटल से वहाँ से आ रहा हूँ बाजार से डॉक्टर को दिखा के। हमारा पन्नी लग रही है मकान में, यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है बंजर बाढ़ आने से, और ये अब बाढ़ आने के बाद में उसकी बीमारी चालू होगी। यहाँ पर बंजर डे मसन पूरी पूरी कर, कोई को जुकाम हो रही है, कोई को सर्दी हो रही है, कोई को बुखार आ रही है, न कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, न कोई को पाउडर छिड़काव भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। डॉक्टर अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया? आए थे मगर डॉक्टर थोड़ी सी देर डट के वापसी निकल गए। बाढ़ आई, बाढ़ तो चली गई आई जो, और बच्चों के अब कोई को खांसी हो रही है, कोई को जुकाम हो रहा है, कोई का फोड़ी फुर्सी हो रहा है, कोई का कुछ हो रहा है, पाँव पकड़े ये बाढ़ से। मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री और ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने दावा किया था कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद इलाकों में न सिर्फ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, इसके साथ ही जिनके मकान बह गए हैं उन्हें मकान दिया जाएगा। लेकिन कई गाँव के लोग मुआवजा नहीं मिलने और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगा चुके हैं। उतर जाने के बाद इस 46 गांव में क्या परिस्थिति बन रही है, उसको स्वास्थ्य की पूरी उनकी रक्षा करें, शुद्ध जल उन्हें देंगे और राशन मुहैया कराएंगे, और जिनके मकान कच्चे थे गिर गए उनको 1,20,000 रुपए में पूरी सरकार उनको दे। इस मामले में कांग्रेस ने सरकार पर खोखले वादे करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार राहत कार्यों के समय की जानकारी दे। तो पूर्व निर्धारित था कि बाढ़ के बाद जो बाढ़ से संबंधित प्रकोप होता है या महामारी होती है तो फैलती ही है, क्योंकि जो मवेशियां वगैरह जल में बह गई या अन्य जानवर थे उनके मरने से जिस प्रकार की महामारी फैलती है वो तो निश्चित रूप से फैलनी थी, और ये तो संज्ञान में भी था सरकार के भी और प्रशासन के भी। लेकिन जैसा कि कमलनाथ जी ने कहा, कांग्रेस एक ही मांग कर रही है कि आप जो बाढ़ राहत का कार्य करना चाहते हैं उसकी समय अवधि बताएं कि आप किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से योजनाबद्ध तरीके से क्या क्या काम करेंगे, कोई योजना नहीं बता रहे ये लोग। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में 13 टीमें काम कर रही हैं, जो बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने हमारी 13 टीमें काम कर रही हैं, प्लस अभी हम लोगों ने भोपाल से निर्देशानुसार हैंडबिल छपवा रहे हैं, हमने करीब 1,00,000 हैंडबिल छपे हैं, वो हम लोग गाँव गाँव जाके हमारी आशा कार्यकर्ता और जितने भी हमारे फील्ड स्टाफ है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी गाँव वालों को। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपने महामारी से बाढ़ के बाद क्या क्या समस्या आ सकती है और उनसे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसकी जानकारी हम लोग अपने हैंडबिल के माध्यम से प्लस वहाँ पर हमारी टीम खुद घर घर सर्वे जाके इसका कार्य करेंगे। शासन प्रशासन लोगों को राहत पहुँचाने के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। अनिल गौर, ETV भारत, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।